दिल्ली सरकार पर्यावरण को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। हम जानते हैं कि बड़े बड़े शहरों में जैसे जैसे विकास होता जा रहा है, नई कॉलोनियाँ बनती हैं, सड़कें बनती हैं, बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं, वैसे वैसे बड़े स्केल के ऊपर पेड़ काट दिए जाते हैं और धीरे धीरे जो शहर है वो कंक्रीट का शहर बन जाते हैं और पेड़ दिखाई नहीं देते। हम जानते हैं पेड़ हमारे जीवन के लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं। दिल्ली में एक खुशखबरी है दिल्ली के लोगों के लिए। जब हमारी सरकार बनी थी उसके पहले दिल्ली का जो ट्री कवर था, दिल्ली में जो पेड़ थे, वो था 19.97%। दिल्ली में 19.97% दिल्ली पेड़ों से ढकी हुई थी। अमूमन तौर पे दिल्ली में तब से विकास हो ही रहा है, नई नई इमारतें बन रही हैं, नई नई सड़कें बन रही हैं। देश के अन्य भागों से कंपेयर करें तो ये 19% से घट के अभी तक 16-15% हो जाना चाहिए था। खुशखबरी ये है कि 19-20% से बढ़ के ये 23% पहुंच गया आज की डेट में, कम नहीं हुआ, ट्री कवर बढ़ा है। और ये कई सारे फैक्टर्स इसमें हैं जो दिल्ली सरकार पर्यावरण को लेके, पेड़ों को लेके जो बहुत सेंसिटिव है, उसी की वजह से ही हुआ है। एक तो हर साल बहुत बड़े स्केल पे पेड़, नए पेड़ लगाए जाते हैं, और दूसरा उसमें बड़ा सहयोग अब कर रही है ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी। इसका मतलब है कि मान लीजिए एक प्रोजेक्ट बनना है, उस प्रोजेक्ट में कई सारे पेड़, सड़क बननी है, कई सारे पेड़ कटे, वो सारे पेड़, पहले पॉलिसी थी कि अगर आप एक पेड़ काटोगे तो 10 नए पौधे लगाओगे। अब वो पेड़ तो था इतना बड़ा और उसकी जगह 10 छोटे छोटे पौधे लगा दिए, तो वो तो कॉम्पेंसेट नहीं कर सकते, पेड़ तो इतना बड़ा छांव दे रहा था और उसकी जगह 10 छोटे, उन 10 में से भी कितने बचेंगे और कितने नहीं बचेंगे, तो वो जो पेड़ का लॉस है उसको कॉम्पेंसेट नहीं किया जा सकता था। तो दिल्ली देश का पहला राज्य और अकेला राज्य, अभी तक और किसी ने ये हिम्मत नहीं की जो हमने की है, दिल्ली देश का पहला राज्य है जहाँ पे ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी लागू की गई कि भाई अगर पेड़ काटोगे तो 10 नए तो लगाने ही लगाने हैं, उसके साथ साथ जो पेड़ कटेगा उसको कटने नहीं देना, उसको वहाँ से, अब विज्ञान साइंस इतनी तरक्की कर गई है कि आप उस पेड़ को वहाँ से उठा के जड़ समेत, मिट्टी समेत उसको दूसरी जगह ले जाके लगा सकते हो। इस तकनीक को इस्तेमाल करके हम लोगों ने कहा कि ट्री ट्रांसप्लांटेशन एक पॉलिसी बनाई, और उस पॉलिसी के तहत हमने कहा कि अब जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें कम से कम 80% पेड़ तो आपको ट्रांसप्लांटेशन करने ही पड़ेंगे। और हमने ये भी कहा कि 10 जो लगते थे पहले वो तो लगेंगे, 80% पेड़ ट्रांसप्लांटेशन भी करने पड़ेंगे आपको। ये दोनों चीज़ें हमने कंपलसरी की। तो आज हम यहाँ पे देखने के लिए जो आए हैं, यहाँ पे 220 पेड़ ट्रांसप्लांटेशन किए गए हैं और 220 में से 190 पेड़ सरवाइव कर गए हैं, बच गए हैं, अभी तक जिंदा हैं। ये मोस्टली पेड़ फरवरी के पहले आए हुए हैं, कोई अक्टूबर में आया था, कोई उसके पहले आया था, कोई फरवरी में आया था, और आप देख रहे हैं कि कई सारे हरे भरे हैं, लेकिन कुछ पेड़ जो हैं वो खराब हुए हैं, 30 के करीब पेड़ खराब हुए हैं। ये वाली जगह एक सबसे सक्सेसफुल मानी जा रही है, और भी कई जगह ट्रांसप्लांटेशन किए गए जहाँ पे सक्सेस रेट इतना उतना अच्छा नहीं था। अभी हम एक तरह से सीखने के उसमें हैं।